हेलो फ्रेंड्स, तीज त्यौहार हो, होली हो या फिर सावन का सिंधारा या कोतली जानी हो, उसमें अगर गुजिया मिल जाए तो सभी खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, आज हम मावे की गुजिया घर पर ही बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैदा ले लिया, ये करीब वज़न में 600 ग्राम है। इसमें हम थोड़ा मोन डालेंगे, 1/4 के करीब मैंने इसमें मोन डाला है और इसको हम मुट्ठी बना के देखेंगे। मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब मोन ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त डो लगाएंगे, इसमें सॉफ्ट नहीं लगाना हमें बिल्कुल भी। तो ये हम डो एक साइड में रख देंगे ढककर, ताकि सूखे ना। अभी हम एक बार और करेंगे, इसलिए इसको ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई में मैंने मावा लिया है और मावे को मैं अच्छी तरह 3-4 बार चला लूँगी और फिर इसको निकाल के एक साइड में रख दूँगी। अब ये मावा निकाल लिया है, इसी में मैंने एक कटोरी के करीब सूजी भून ली है। तो सूजी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, तो इसको हमने भून कर निकाल लिया है। अब इसी में 2 चम्मच देसी घी लेंगे और उसमें हम खरबूजे के बीज, हम मगज जिसे कहते हैं, उसे भून लेंगे। ये बहुत चटकते हैं, तो ऊपर से थाली डालकर लगा कर हम इसको भून लेंगे। अब इसी में हम बादाम भून लेंगे, जो भी आपने ड्राई फ्रूट डाले हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, आप इसमें एक साथ भून लेंगे। इससे मैंने 10-15 छोटी इलायची कूट कर पीस कर अलग रख ली हैं। और अब हम इसमें लास्ट में नारियल का बुरादा 1 कटोरी डालेंगे, तो नारियल का बुरादा भी हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, इसे लाइट ब्राउन ही रखना है। तो अब हम कुटी हुई इलायची भी इसी में मिक्स कर देंगे और इसमें जितना भी भून कर निकाला हुआ सामान सब इसमें मिक्स कर देंगे। मावा और इसमें मैंने किशमिश भी मिला ली है, तो किशमिश मैंने भूनी नहीं है और ऐसी ही मिलाई है। तो इसके साथ ही मावा भी, मगज और बादाम का जो भी है ड्राई फ्रूट, इसमें हम सभी मिक्स कर देंगे। अब इसको हम गैस की फ्लेम बंद करके नीचे उतार लेंगे। और करीब मैंने ये 250 ग्राम चीनी पीस कर इसमें मिक्स करी है। आप चाहें तो बूरा भी मिला सकते हैं। तो बूरा मिलाने के बाद इसमें हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद ये हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम इसका बेस तैयार करेंगे। उसके लिए एक बार फिर से हमने मैदा गूंध लिया है, अच्छे से नीट डो कर लिया है और ढककर रख दिया है ताकि सूखे ना। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई लेंगे और चकला बेलन पर थोड़ा घी लगा लेंगे और इसको हम पूरी से थोड़ा बड़ा साइज़ और रोटी से थोड़ा छोटा हम इसमें बेलते जाएंगे। और ये मैंने अब गुजिया का सांचा ले लिया है, इसमें थोड़ी थोड़ा हम स्टफिंग डालेंगे और पानी का उंगली लगाकर इसके दोनों साइड से हम इसको बंद करने के लिए हम इसमें लगा देंगे। तो पानी लगा दिया है ताकि अच्छे से बंद हो जाए और सांचे में इसको हमने बंद कर लिया। इसी तरह से ये सभी गुजिया हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है तलने के लिए, तो इसमें हमने एक एक करके गुजिया डाल दी है इसमें तलने के लिए। बहुत ज़्यादा हमें एक साथ नहीं करनी डालनी, ताकि ये पलटने में हमें मुश्किल ना हो। तो हमने ये हमने अलट पलट कर लगातार चलानी है, क्योंकि ये अंदर की स्टफिंग के बाहर से एक ही साइड हमारी तलने लगती है। तो इसलिए हमने लगातार इसको दोनों साइड से अलट पलट कर तलना है। तो इसमें लाइट ब्राउन कलर हमने रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं रखना। तो ये हमें थोड़ा लो टू मीडियम आंच रखनी है, हाई आंच पर भी नहीं बनाना है। तो ये लीजिए, हमारी गुजिया बनकर तैयार है। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए और खिलाइए मावे की।